एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। समझना, ये इस क्वेश्चन को थियरी में तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक रॉड है और इस रॉड की अपनी जो मास है यार, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वेरिएबल मास है, वेरिएबल मास है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ 3 मीटर है, इसकी लेंथ 3 मीटर है, बट इसकी मास जो है वेरिएबल है प्यारे बच्चों। ठीक है, और वो जो मास है, मास पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एक्स, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, रॉड का मास, टोटल मास कैपिटल एम, टोटल मास अपॉन लेंथ एल, इज सम कांस्टेंट के डिस्टेंस एक्स। मतलब जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस मास बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आएगा? नहीं, अगर मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे आता, और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो अलग अलग चीज़ होता है। बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा तो, बट जो रॉड छोटा होता है अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है जहाँ ग्रेविटी सेम है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड होती है यार, एक ही जगह आता है। तो मैं सेंटर ऑफ मास का ही फार्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, मान के चलता हूँ कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड है। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे अब देखो, अब मैं यहाँ से सेंटर ऑफ मास लोकेट करूँ तो यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस पे चला गया और एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया डी एक्स, इसमें जो मास आया होगा वो डी एम आया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी एम आ जाएगा वो आ जाएगा मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई ये छोटा लेंथ डी एक्स, और इधर हम लोग निकाले मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज के एक्स डी एक्स। ठीक है, ये है, ये दैट इज द डी एम। अब जब फार्मूला है, फार्मूला क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का, बोलो? एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का है एक्स डी एम इंटीग्रल और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस डी एम, ये फार्मूला होता है इसको निकालने का। ये थोड़ा आगे आएगा ना, ये इंटीग्रल ये ऊपर आएगा। ठीक है, ये इंटीग्रल ऊपर ऐसे होता है, ये फार्मूला कंटिन्यूअस मास का, तो ये फंडामेंटल यही यूज होगा। पहले टोटल मास निकालो। ठीक है, ये क्या है? टोटल मास है, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे मास का टोटल मास, एक्स डी एम, एक्स डी एम का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल के एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, एक्स की लिमिट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, एक्स की लिमिट एक्स इजक्वल टू जीरो टू एक्स इजक्वल टू एल, तो एक्स इजक्वल टू जीरो टू एक्स इजक्वल टू एल, और एल की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट गया 0 टू, लिमिट गया 0 टू 3, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आ जाएगा के 9 बाई 2, इसको यहीं पे ऐसे रहने दो, दैट इज द टोटल मास, इतना के जी। अब इसको इंटीग्रेट करो, एक्स डी एम को इंटीग्रेट करो, तो एक्स डी एम, एक्स एक यहाँ से और डी एम उधर से, डी एम, डी एम इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। ठीक है, और लिमिट गया एक्स की 0 टू 3, इसका मतलब ये हुआ के बाहर आया, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट हुआ और दैट इज 0 टू 3, है ना, इंटरेस्टिंग बात। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि के इधर आ गया और एक्स की वैल्यू इधर 3/3 और लिमिट गया 0/3, इसका मतलब ये हुआ के 27/3, दैट इज द एक्स डी एम इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इन दोनों से डिवाइड कर दिया जाए तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। चलो, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा, कलर बदल लो ना, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, वो आ जाएगा के 27/3 और यह आ जाएगा के 9 और ऊपर गया 2, ऊपर गया 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 के ने के को, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास 2 पे आ जाएगा 2। ठीक है, सेंटर ऑफ मास 2 मीटर या 2 सेंटी 2 मीटर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास 2 मीटर, ये दैट इज द बी ऑफ